हो सकता है कहीं गया हो। मैं भी उठ जाती हूँ, सुबह हो गई। कर्जे वाले बहुत सारे आ रहे हैं। पहले तो तुम पगार जल्दी भेज देते थे। मैं जल्दी पैसे भेजती हूँ। मम्मी, सेठ अभी बाहर गया है, उसके आते ही मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ। कुछ देर और रुक जाओ। ओके बेटा, ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है। हमारी आंटी की वजह से एक दिन मैं कुछ नहीं बोला। चलो बाहर निकलो, मुझे भाड़ा दो। आपका पति नहीं आने वाला, मुझे पता है। मुझे क्या पता कहीं जाओ। किराने वाला, इसका भी भाड़ा बाकी है, और वो दूध वाला, उसका भी भाड़ा बाकी है। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। कोई रियाज नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बाहर निकल, सिर्फ दो दिन का टाइम देता हूँ। दो दिन के अंदर मेरा पैसा लौटा दो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उससे खूबसूरत तुम हो। आंटी, क्या हुआ? अंदर आओ, कैसा चल रहा है काम? कुछ नहीं चल रहा आंटी। कैसे आना हुआ? ऐसे आए। सब ठीक है ना? पर तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना है। इम्पोर्टेंट बात? ऐसा क्या हो गया जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है? बता। मैंने शादी कर लिया। शादी कर ली? हमें बताया भी नहीं। पर कौन है? यही है, काम भी करता है। जो आपने रूम मिलाई थी उसमें मैं अकेली तो रहती हूँ, मैं उसे भी अपने साथ रख लेती हूँ। तेरी खुशी जिसमें है
रख ले, पर लड़का ठीक भी है, ध्यान रखना कभी भाग जाए छोड़ के। नहीं भागेगा आंटी जी, अच्छा लड़का है, शुक्रिया मुझे रूम दिलाने के लिए। खुश रहना, पर मेरा ध्यान रखना, मकान मालिक को किराया टाइम पर दे देना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। Oh.